जिब्रान, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अरे आओ तो सही, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कृष्णा, ये शहर के फेमस एडवोकेट हैं अरूज साहब, और अरूज साहब ये कृष्णा है। आपकी फियांसे? जी। अरूज साहब वो मेरी फाइल, मैं उसी पे ही काम कर रहा था, मैं बताता हूँ अभी आपको। आप मुझे यहाँ वकील के पास क्यों लेकर आए? मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ, मैं अपने खानदान से बगावत नहीं कर सकती। कृष्णा, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया। देखो, मैं शादी करूंगा तो ढंग की चोट पर करूंगा, आपके घर वालों से इजाजत लेके करूंगा, तो डोंट यू वरी। ओके साहब जी, ये है आपकी घर की फाइल जो रोशना मैडम के नाम करनी है। इनके कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और वो जो डिफेंस वाले प्लाट की फाइल है जो आप इनके नाम कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। हाँ ठीक है वकील साहब, आप जैसा बोले मैं एक काम करता हूँ, आपके रोशना के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहुँचा दूंगा। वैसे शादी कब है जिब्रान साहब आपकी? लगता है यह प्रॉपर्टी आप रोशना मैडम को मेहर में देंगे हैं? जी जी, हक मेहर में दूंगा, बस बहुत जल्द हमारी शादी फिक्स होने वाली है। अच्छा तो साहब इजाजत भाई, आप इनके डॉक्यूमेंट जल्द भिजवा देना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, प्लीज। ये सब क्या है जिब्रान? अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत। मेरा जो घर है उसके साथ जो मेरी एक जमीन है, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। देखो, तुम इज्जत के साथ, कानून के साथ, शरी तरीके से अपनाना चाहता हूँ, लेकिन आई नो, ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कितना बदकिस्मत हूँ ना, दुनिया की सारी दौलत है मगर मेरे पास तुम नहीं हो। मैं दुनिया का सबसे मुफलिस इंसान हूँ। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब पता है, सारी मार्केट घुमाऊं, उसमें जो सबसे महंगा हीरा था वो मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। और मुझे यकीन है, जिस तरह आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत हासिल कर ली, एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी हासिल कर लूंगा। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या वाकई वो महल जैसा घर मेरा हो सकता है?